हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 और 19 सितंबर को महिला कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें विधि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि विधि पर कोई वीडियो बनाई जाए। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम विधि से संबंधित एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम विधि आयोग, CRPC, IPC और CPC के बारे में डिटेल में जानेंगे। और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम विधि आयोग के बारे में जानेंगे, क्योंकि विधि आयोग का कनेक्शन IPC के साथ है। क्या कनेक्शन है वो आगे आने वाली स्लाइड में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। देखिए, निकाय तीन प्रकार के होते हैं, संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनके संदर्भ में संविधान में कुछ न कुछ बताया गया है या फिर जिनकी स्थापना संविधान के तहत की गई है, वो होते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान के भाग 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 324, 326, इन सब में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में बताया गया है। वैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनकी स्थापना एक्ट के तहत की जाती है या फिर अधिनियम के तहत की जाती है, वो होते हैं वैधानिक निकाय है। और कार्यकारी निकाय कौन से होते हैं? जिसकी स्थापना सरकार आदेश द्वारा करती है। तो विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है एक आदेश पारित करके। याद रखना, विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य है कानूनी परामर्श देना, यानी कि यह प्रमुख रूप से कानूनी सुधारों हेतु कार्य करता है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करता है, यानी कि विधि से संबंधित परामर्श देता है, विधि से संबंधित सुझाव देता है विधि आयोग, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, ठीक है। अब आइए आगे जान लेते हैं, और ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इस स्लाइड में आपको पता चलेगा कि विधि आयोग का IPC के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, पहला विधि आयोग का गठन अठारह सौ चौंतीस में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में इस्टेब्लिश किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1834 में। और किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। और प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर ही, याद रखना, प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर ही दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की स्थापना की गई है या फिर इनका गठन किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC, इनको किस विधि आयोग की सिफारिश पर बनाया गया है? प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। आगे जान लेते हैं, भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MCC तलवार की अध्यक्षता में गठित किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? वर्ष 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? MCC तलवार की अध्यक्षता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना। अब तक 21 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं और प्रत्येक विधि आयोग का कार्यकाल था 3 वर्ष। सामान्यतः विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 21 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं और अब 22वां विधि आयोग चल रहा है। थोड़ा 22वां विधि आयोग के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग को मंजूरी दी थी। तो भारत का 22वां आयोग है जो, इसको मंजूरी कितने दी थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कार्यरत है। 3 वर्ष की इसकी कार्य अवधि है, ठीक है ना। और आपको ये ज़रूर याद रखना है कि भारतीय विधि आयोग या सॉरी 22वें विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 22वां विधि आयोग कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 22वें विधि आयोग का संरचनात्मक ढांचा क्या है, आइए देख लेते हैं। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष है, 4 पूर्णकालीन सदस्य हैं और इन 4 पूर्णकालीन सदस्यों में सचिव भी शामिल हैं। और जो सचिव है वो कानून मामले के विभाग के अधीन सदस्य के रूप में भी कार्यरत है और विधायी विभाग के अधीन सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंशकालीन सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
तो इनको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है। तो इसमें अध्यक्ष कितना है? अध्यक्ष तो एक ही है, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष है, चार पूर्णकालीन सदस्य हैं। अगर पूछ लिया जाए विधि आयोग में पूर्णकालीन सदस्य कितने हैं? चार हैं, ठीक है ना। और अंशकालीन सदस्य कितने हैं? पाँच हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के विधि आयोग ने अभी तक विभिन्न मुद्दों पर 270 प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और HSSC तो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछता है, तो हमें ये पॉइंट याद होना चाहिए कि विधि आयोग ने अब तक कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 270। तो ये था विधि आयोग के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम IPC, CRPC, CPC आदि के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।